इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ जीएसटी इंटेलिजेंस डीजीजीआई की छापेमारी खत्म हो गई है। रेड के दौरान कई तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अनुसार पीयूष जैन के कन्नौज स्थित घर के दो सीक्रेट चैम्बरों से 19 करोड़ रुपए कैश निकाला गया है। डीजीजीआई के साथ मौजूद गवाह के अनुसार इसे ढूंढने में अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज स्थित ठिकानों पर 5 दिन लंबी रेड बुधवार शाम को खत्म हो गई है। डीजीजीआई टीम के साथ मौजूदा गवाह अमित दुबे ने बताया कि घर के बेसमेंट में बने सीक्रेट चैम्बर से यह पैसा निकाला गया। अंडरग्राउंड बैंकरों से यह कैश निकालने में टीम को काफी मेहनत करनी पड़ी। गौरतलब है कि पीयूष जैन को सीजीएसटी की धारा 67 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उनके दोनों घरों से कुल 196.45 करोड़ रुपए कैश, 23 किलो सोना और 600 किलो चंदन का तेल मिला है, जिसकी कीमत 6 करोड़ आंकी जा रही है। डीजीजीआई के अनुसार पीयूष जैन ने यह स्वीकार कर लिया है कि बरामद नकद माल की बिक्री से संबंधित था, जिसका जीएसटी भुगतान नहीं हुआ था। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर कई दिनों तक चली जांच के बाद उसके कारोबार से जुड़े कई बातें सामने आई हैं। जानकारों के अनुसार जीएसटी इंटेलिजेंस को शुरुआती जांच में पता चला है कि पीयूष की तीन फर्मों का वित्तीय वर्ष 2020-21 का टर्नओवर सिर्फ 21 करोड़ था, लेकिन उसके घरों से कुल 196.45 करोड़ रुपए नकद बरामद किए। डीजीजीआई अधिकारी की पूछताछ में वह किसी सवाल का सही जवाब नहीं दे सका। सरकारी वकील अम्बरीश टंडन ने बताया कि पीयूष जैन के कानपुर वाले घर में 7 अलमारियों से 177.45 करोड़ रुपए बरामद हुए। इसमें 2 अलमारियां तो बेडरूम में थी। पीयूष के ठिकानों से मिले कागजातों में 2 फर्म ओडोकेम इंडस्ट्रीज और फ्लोर नेचुरल के अलावा एक कंपनी ओडोसिंथ इनकॉर्पोरेशन के कागजात मिले। इन तीनों का पिछले वित्तीय वर्ष का कुल टर्नओवर 21 करोड़ रुपए था। माना जा रहा है कि ओडोसिंथ से एक्सपोर्ट किया जाता था। ओडोकेम इंडस्ट्रीज के पार्टनर पीयूष और उसका सगा भाई अम्बरीश है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।